नमस्कार। कल एक घटना घटित हुई जिसकी वजह से एमसीसी का प्रोसीजर डिले हो गया है, राइट। और वैसे तो बात फैल चुकी है, कुछ जानने वाले भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम ना अननेसेसरी कंसर्न ना हो। देखिए, इस साल तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पहले वो कोविड तो मिलेट हुए, फिर ओफेजिस का क्वेश्चन, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा की प्रॉब्लम, ईडब्ल्यूएस की प्रॉब्लम, और अब जब सब कुछ हो गया था तो एक जिपमर में एक इंटरनल कोटा होता है पौंडेचेरी डोमिसाइल के लिए, और कुछ 5 स्टूडेंट थे जिनके साथ कुछ गलत हो रहा था, तो वो भी मद्रास हाई कोर्ट चले गए। और जब उन्होंने चॉइस फिलिंग करी तो उनको वो जिपमर का इंटरनल कोटा नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ सम बैकग्राउंड, क्योंकि स्कूलिंग पौंडेचेरी के बाहर से थी 11th 12th में। खैर, एनीवे एवरीथिंग हैज बीन सॉर्टेड आउट, और इसकी वजह से हम सब सभी जानते हैं कि राइट नाउ रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, चॉइस फिलिंग भी ओपन है। कल शाम को चॉइस फिलिंग लॉक की जाएगी 30 तारीख को, और उसके बाद फिर सीट अलॉटमेंट वगैरह का जो फिलहाल उन्होंने डेट दिया है वो 1 तारीख की दी है, करेक्ट। कि अगर हम ब्रॉडली देखें तो उस तारीख के आसपास फिर वो चॉइस फिलिंग आएगी। और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो जो इसका चल ही रहा है, और ये देखिए, ये जो पता नहीं, वैसे जब से हम बात कर रहे थे नया नया नोटिस भी आया, देखिए क्या है। ये बिल्कुल अभी के अभी है, ताजा ताजा। अच्छा, सो बेसिकली 5 नहीं, काफी बच्चे हैं, और इन सबसे कहा गया कि आप अपना देख लीजिए। कोर्ट में 5 लोग गए थे, लेकिन टोटल अब उन्होंने लिस्ट दे दी है पौंडेचेरी के बच्चों से, तो पौंडेचेरी के बच्चों को देख लेना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो अब नया शेड्यूल आ गया है, हम उसकी बात करें तो अब 30 तारीख को चॉइस लॉकिंग इन्होंने बताई है, 30 तारीख की रात तक, और 31st का गैप देते हुए उन्होंने बोला कि जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो 1st को होगा, क्योंकि दे विल प्रोसेस द सीट ऑन 31st जनवरी। और इसका जो एटलीस्ट एक इमीडिएट इम्पैक्ट मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, वो इम्पैक्ट ये है कि यूपी काउंसलिंग, तो देखिए मेरे काफी क्लाइंट है, और शायद मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरे ही काफी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ दुविधा हो गई। तो बेसिकली वो मार्जिन पे थे कि 450 470 वाले, कि एक पर्टिकुलर डीम यूनिवर्सिटी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम यूपी में चले जाएंगे। और यूपी में हम जानते ही हैं कि एक बार आपने चॉइस फिलिंग कर दी, आपको सीट मिल गई, और आपने नहीं ली तो 2 लाख रुपए गए। तो बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि यूपी की लास्ट चॉइस फिलिंग डेट थी 31st, और एमसीडी का तब तक काम हो गया था, तो हमें पता था कि क्या है, और हमने डिसाइड किया था कि फिर हम चॉइस फिलिंग यूपी की करेंगे नहीं, तो पैसे 2 लाख आराम से वापस मिल जाएंगे। अब बिल्कुल 1 दिन का चक्कर पड़ रहा है, बिकॉज यूपी की चॉइस फिलिंग राउंड वन लास्ट डेट है 31st, और एमसीसी का सीट डिक्लेरेशन है 1st फरवरी। लेकिन अगर आप फिर से अगर नोटिस को देखेंगे ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि चॉइस लॉकिंग 30th को हो जाएगी। सो कोई बड़ी बात नहीं है, 31st को तकरीबन 1-2 बजे तक वो आ जाए प्रोविजनल अलोकेशन, और अगर वो आ गई तो आप डेफिनेटली फिर हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं कि हम यूपी की चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, और अगर वो नहीं आती है और हम रिस्क नहीं लेना चाहते ऑप्शन बी, जो यूपी का कॉलेज है, तो हम भर देंगे। और फिर भी केस बाय केस वेरी करता है कि आपको जो आपका ड्रीम डीम यूनिवर्सिटी मिली है, आप उससे कितना दूर है, कितनी पास है। क्योंकि इसके चक्कर में और एक क्या हो रहा है, जो मेरे पास खबर आ रही है कि काफी लोग जिन्होंने पहले डीम्ड अप्लाई नहीं करा था, उन्होंने अप कर दिया है, बिजली वो कॉम्पिटिशन में एड हो जाएंगे। होता नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, देखिए जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी, जिन पेरेंट्स को सीट नहीं मिलती उनकी धड़कनें बढ़ती हैं स्टूडेंट्स की। अब पहले सोचा होता कि सिर्फ सरकारी लेंगे, फिर लगता है नहीं भाई, अब जैसे सरकारी की मेरिट लिस्ट तो आई गई थी तो लोगों को दिखने लग जाता है कि भाई तुम्हारे अगर 570 है तो तुम्हें कोई सरकारी कॉलेज तो मिलने वाला है नहीं, प्रोवाइडेड आप एक पर्टिकुलर डोमिसाइल के हैं। तो फिर वो लोगों को लगता है कि चल यार मौका मिल गया तो चलो डीएमडी ले लेते हैं, ऑप्शन शायद भगवान ने हमारे लिए खोली है। तो इस तरह की हो सकता है कि नए लोग आ जाए आज, और जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाए। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि
बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं अपने क्लाइंट की बात करूं, मैंने यही कहा कि मैं देखते हैं कि हमसे नीचे कितने लोग हैं जिनको ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मिली है। अगर बिल्कुल तुम लास्ट में थे तो शायद रिस्क ज्यादा है, पर तुम्हारे नीचे अगर 6-7-8 बच्चे हैं तो रिस्क काफी कम है कि तुम्हारी सीट ही चली जाएगी। सो ये सब चीजें, ये सब फैक्टर हम कर सकते हैं। मुद्दे की बात है कि घबराने की बात नहीं है। सिर्फ उस पौंडेचेरी के बच्चों के अलावा कोई मेजर चेंज नहीं हो सकता। पूरी इंडिया में शायद 100-200 शायद लोग होंगे जो सोचे कि हम डी में भर दें, इससे ज्यादा नहीं होंगे और सबकी चॉइसेस अलग होंगी, सबके मार्क्स अलग होंगे। तो आप बहुत ज्यादा ना घबराएं। और खासकर जो यूपी वर्सेज डीम्ड वाला केस था जो मैंने बताया कि बिकॉज 2 लाख वाला इशू सिर्फ यूपी ही है जो फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है, तो उसके अलावा तो कोई बहुत ज्यादा चिंता करने वाली किसी को बात है नहीं। रिलैक्स रहें और जिस तरीके से पहले काम चल रहा था वैसे चलाते रहें। धन्यवाद।